सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, और एक बार फिर से आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सभी लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसको द्वितीय भी त्यौहार के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि द्वितीय तिथि में आता है, दूसरी तिथि में। तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं त्यौहार की, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की दिवाली बहुत अच्छी तरह से गई होगी। हमारी हो चुकी है सुबह, और बस अभी कार्यक्रम होगा स्टार्ट, पकवान वकवान बन रहे हैं, तो बाकी अभी चलते हैं नीचे, पहले कुछ सामान ले आता हूँ मार्केट से और फिर आपसे करते हैं मुलाकात। A few inches later. ये हमारे आ चुकी है खाने की प्लेट। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? तो खाना हमने खा लिया, आज नाश्ता और लंच एक साथ कर लिया, और आज छुट्टी भी है तो सोच रहा हूँ गाड़ी की सर्विस करा लूँ। तो इसकी थर्ड सर्विस पेंडिंग है क्योंकि एक साल से ऊपर हो गया है। वैसे चली तो नहीं है, 10,000 पे थी लेकिन उतनी चली नहीं है, लेकिन आज करा लेता हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी तैयार हो गया हूँ, तो सर्विस करने चलते हैं, और अगर देखता हूँ अगर वहाँ पे कुछ अगर काम भी कराऊंगा तो एक्स्ट्रा, अगर कुछ चीज़ें लगवाऊंगा तो अगर देखूंगा, अगर सही रेट पे होगी तो शोरूम से ही लगवा लूंगा। और बाकी अभी चलते हैं सर्विस करने। 2000 years later.
तो सर्विस हमने कर ली है और अभी समय हो रहा है 4 बजने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लगा था कि रश नहीं होगा, रश तो उतना था नहीं, लेकिन क्योंकि आज छुट्टी थी तो कम थे काम करने वाले, तो काफ़ी टाइम लग गया हमें, 3 से 4 घंटे। तो अभी चलते हैं घर, और बस यही था। और बाकी सर्विस कॉस्ट मेरा 3500 के आसपास आया, जो नॉर्मल थर्ड सर्विस थी है, तो 1500 के आसपास ऑयल चेंज और जो सर्विस कॉस्ट है, जो नॉर्मल सर्विस है उसका चार्ज था, और बाकी ब्रेक पेड चेंज हुए क्योंकि बहुत जल्दी घिस गए थे, तो 2000 उसका था, तो ओवरऑल 3500 के आसपास आया। बाकी ऐसे कुछ प्रॉब्लम थी नहीं गाड़ी में, तो ओके ही थी। तो बाकी चलते हैं घर। तो दोस्तों घर हम पहुंच चुके हैं और शोरूम जो था वो पूरा बंद था क्योंकि छुट्टी थी आज भाई दूज की, तो मेरे को एक दो चीज़ें लगवानी थी तो मैंने लगवाई नहीं क्योंकि बंद था तो कुछ अवेलेबल नहीं था वहाँ। तो देखूंगा फिर टाइम होगा, कल तो मुझे लग नहीं रहा शायद टाइम होगा, या सर्विस के टाइम में ही जाना होता है क्योंकि वैसे जाने में काफ़ी पूरा मतलब लगभग पूरा दिन ही बर्बाद हो जाता है। जैसे आज भी मैं सुबह चला गया था 11 बजे, तो शाम के 4-5 बज गए थे घर पहुँचने तक। 4 बजे तो मैं शोरूम से निकला था तो घर पहुँचने तक 4:30 बज चुके थे। और अब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है यहाँ और शाम के टाइम में बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बाकी चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए, और बाकी आप शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, या इससे पहले जो लास्ट दिवाली वाली वीडियो थी अगर आपको पसंद आई तो आप शेयर बिल्कुल करिए। और फिर नई वीडियो में बहुत जल्द आपसे करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोशिश रहेगी शायद जो अब आने वाले जो वीडियोस आएंगे वो ट्रैवलिंग के ऊपर रहेंगे।